व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो फ्रॉम द चैनल थगेश। और टाइटल है ठरकी दादाजी ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, प्लीज स्टॉप। मतलब इंस्टाग्राम वो चल रहे हैं ना, समझ गई हो तुम? तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। देखते हैं आज थगेश भाई का क्या कहना है। इसी पे धीरू भाई ने भी कहा था, धीरू भाई ने बनाई थी, हमने रिएक्ट किया हुआ है उस पे, हां रिएक्ट किया उस पे। तो देखते हैं थगेश भाई अपने स्टाइल में क्या कुछ बताना चाहते हैं। और भाई चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक कर देना। और रात को 9:30 बजे हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। करें शुरू, 1 2 3 गो। ये चश्मा मेरे को भी चाहिए। क्या जरूरत है भाई केश वाला, एक ए थगेश। आज खबरें नहीं है थगेश, करने का ही मन नहीं हो रहा है आजकल। कभी कभी लगता है भाई उम्र हो गई है क्या, क्या एज क्या है, एज एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर क्या है, नंबर ये जो सिंगल लॉन्डो तुमको लड़कियां नहीं देती। तो जैसे मैंने बोला एज इज जस्ट नंबर, तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है जो अपने को यंग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा दिखाने की कोशिश करता है, बियर्ड और बालों को व्हाइट कलर करके। यस, ये है मिस्टर राहुल जगताप। बंदे की एज है 46, बट ट्राई करता है 64 दिखने का। भाई को मिलिंद सोमन का सस्ता बूढ़ा वाला वर्जन बनना था, लेकिन वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मोदी जी, तो राहुल भाई के कुछ ऐसे रील्स होते हैं, तो भाई के रील्स में तीन चीजें हमेशा मिलेगी आपको, सफेद बाल, पुराने गाने और आधी उम्र की बंदियां जिनके साथ ये रोमांस करता है। बात जो है उसमें पीने से लग जा तू, कसम जा है ले लो, ऐ काश के हम होश में आप। मेरे को एक चीज नहीं समझती, बूढ़ा दिखने की कोशिश करता है कंटेंट में, हरकतें 16 साल वाले निब्बो की। दादाजी एक उम्र चूज किया तो उम्र के कैरेक्टर में रहने का ना। मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, राहुल भाई को सब करना है। चलो भाई के कंटेंट में थोड़ा डुबकी मारते। जिसने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया ना, उसने भीख मांगी थी तेरे आगे। किसी के सामने सर नहीं झुकाया, वो तेरे सामने भीख मांग रहे। किसने बोला सर नहीं झुकाए? सर तू ना झुकाए, भीख हमसे मांगे और इल्जाम भी हम पे डाले। इस आदमी ने दिन भर टट्टी नहीं की थी, बहुत तेरे मुंह पे मुंह दिया। अच्छा भाई का कुछ मॉडलिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, लेकिन भाई ये ऐसी क्रीपी वाली ठरकी वाली शक्ल बनाओगे और मॉडलिंग सिखाने का इंस्टीट्यूट बना है। मॉडलिंग नहीं, वो टिकटॉक के जोकर को कंपटीशन देने की क्लासेस खोलनी चाहिए। आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। हमें भी नहीं पता। एंड तुम जिस टाइप के आदमी हो कभी भी कुछ भी कर सकते हो भाई, वो तो पक्का है। अगर तुम अपने बाल और बियर्ड जानबूझ के व्हाइट कलर के करा सकते हो ताकि 60-70 के दिखो, ताकि लोग कमेंट में लिखे ओ माय गॉड एज इज जस्ट अ नंबर, तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उस टाइप के लड़की हो जो सीधा आधी उम्र की लड़कियों के साथ रील बनाते हो, तुम तो सच्ची में कभी भी कुछ भी कर सकते हो भाई। बट एक चीज है जो तुम नहीं कर सकते, ढंग का कॉन्टेंट बनाना। आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। भाई लॉन्डी यही बोलते हैं जब साइट पे पत्थर तोड़ के आते हैं और मालिक पगार नहीं देता। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। अलग कर दिया, हमें कम बताया जा रहा है कि तुम इससे भी बुरा कंटेंट बना सकते हो। भाई धूप में बाल सफेद नहीं हुए, एक्सपीरियंस से बाल सफेद हुए। बाल सफेद मतलब एक्सपीरियंस, बट ये बंदा तो बाल खुद ही व्हाइट करता है दिमाग से, मतलब वो भी साथ का है। बटा बात भी सही है, पूरा दिन आधे उम्र के बच्चों के साथ वीडियो बनाएगा तो दिमाग भी बच्चों जैसा ही रह जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? थोड़ा लेके थोर बन के, थोर छोड़ो छोटा भीम बन के चुटकी के साथ वीडियो बना जा रही है। देखो भाई हमेशा जरूरी नहीं होता धूप में बाल सफेद हो, और स्मार्टनेस एज के साथ ही आए। इतना भी पास मत आओ, बेचारी वीडियो के थ्रू मदद मांगने का तय कर रही है। भी पास मत आओ अंकल जी, इतने भी पास मत, पगी उम्र के क्या बच्चों से आज तक अभी पास मत आओ। मेन ये नहीं है, मेन दिखने वाली चीज है कैप्शन। सम पीपल स्टार्टेड मेकिंग देयर लिविंग बाय रोस्टिंग माय वीडियोस, दिस वीडियो इज टू हेल्प देम अर्न देयर ब्रेड। थैंक यू भाई, थैंक यू दादा, उतरे बाबा। ये देखो ये सब ना आपके वीडियोस नहीं दिया हुआ है, देखो ये लोगो, ये प्ले बटन,
सुबह पनवेल निकलना है क्या घाई में आया खुला शर्ट रख के वीडियो बनाने चालू कर दिया। अरे शर्ट पहले पहन लो फिर वीडियो बनाओ चलेगा? ये सब छपरी वाली हरकत और इंस्टीट्यूट मॉडलिंग वाली लंबे वाले लड़के को देख ये उसको मारने की ऐसा ये एक्टिंग सिखाते हो बच्चों को ये उसको ऐसा मार रहा है ऐसा लग रहा है सैल्यूट कर रहा है देख रहे हो देखो अरे परिपोना अच्छा मॉडलिंग एजेंसी के नाम पे टिकटॉक का फेम हाउस बन रहा है इधर ये भाड़े के गुंडे ठीक से गुंडा भी नहीं बन पा रहे मॉडलिंग एजेंसी का नाम क्या भाई असल में तो भाई रील्स बनवाना है लॉन्डो से तो खुद साइड में देख के चल रहा था ऐसे बाद में उसको पकड़ के उसको लगा शायद ये भी अंधो वाला टिकटॉक बना था होगा लगता है मॉल में बर्फ पड़ने वाली ऐसा मत करो दादा आगे देख के चलो मत रहा है बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती है लेकिन चलो मैं किसी को समझ आ जाऊं इतनी समझ अभी किसी में नहीं ये एकदम करेक्ट बात कही आप किसी को समझ आ जाओ इतनी समझ पूरे इंडिया में नहीं है किसी को समझ भी गया ना तो उसको दो दिन लगे यार रिकवर होने में कि भाई मैंने क्या समझ ये सही लगा रखा तुमने इधर निकल तो घर में बात करने के जाने कब कहां मिलोगे हमसे हम सफर मेरे पीछे मत पड़ो मैं तो 25 साल का हूं आपका टारगेट तो 17-18 साल के लॉन्डी दिल बच्चा नहीं है दिल बच्चों के पीछे दिल को संभालो दिल गलत राह में जा रहे दिल बच्चा के साथ आजू बाजू में बच्चे ही है सब मतलब अंकल दिल में सिख देना चाहता मैं बूढ़ा हूँ बट दिल बच्चा है बच्चा तो बच्चों के साथ ही खेलेगा ये अपने एज का कुछ कर रहे हैं अंकल कल को डोंट बी सरप्राइज अगर अंकल आपके कॉलेज में भर्ती हो जाए लॉन्डियाबाजी के साथ साथ कसाई भी हो क्या हाथ में क्या है मारने वारने जा रही हो क्या अगर लड़की इंप्रेस नहीं हुई तो प्लान भी रेडी रहना चाहिए देख के नहीं मानी तो ओमनी में तो लेके ही जाएंगे अगर तुमको ऐसा कोई सफेद बाल सफेद दाढ़ी बूढ़ा आदमी चढ़ी जवानी देख के कोई भी देख के ना पलट जाओ प्लीज अंकल को देख के प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर पीपल कितनी अजीब चीज होती किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं Okay. कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती सब ना बुढ़ापे का असर है याद नहीं रहता ज्यादा चीजें वीजे भूलना वेरी कॉमन इन दिस एज हम तो वेट कर रहे हैं कब इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल जाओगे छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती तो रील्स जैसी छोटी चीजें कैसी याद रह जाती है हा? रील्स वीडियोस भी तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट कभी कभी लगता है आपको भी कॉमेडी लीग वालों से इन्विटेशन आ जाएगा खराब जोक्स मारने खराब जोक्स गलत गाना गलत एक्सप्रेशन पे ना ये गाना होना चाहिए कुछ अलग है मेरा प्यार ओ भाई कुछ अलग थोड़ा ज्यादा खास सच कहूं तो उनको तो शायद मेरी याद तक नहीं आती होगी और मैं यहाँ रोज बैठकर उनकी किस्से सुनाता हूँ अगर पोती की उम्र की लड़कियों पे लाइन मार रहे हो तो तुम्हारा प्यार खास ही है इतना खास है कि तुम्हारे प्यार के बारे में आपको पुलिस को बताना पड़ेगा क्राइम है क्राइम गुनाह है ये इतना खास है कि लड़की जब घर पे लेके जाएगी तो उसके घर वाले कंफ्यूज होंगे जमाई लाया या समधी जी फुल मिर्जापुर वाइफ्स तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है कभी कोई थी हां थी कॉलेज में क्या समझदार लोग एक गलती बार बार नहीं करते
दीदी दादाजी की मूछे नहीं दिख रही को पूछो दादी जी कहाँ है। हाँ ऐसे सवाल पूछते हैं बुजुर्गों से, कहाँ है तुम्हारे संस्कार बेटी को पूछो। पैर पैर दर्द कर रहे हैं क्या, पैर पैर दबाओ यार, ये गर्लफ्रेंड है क्या? तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता नहीं। तो इस मार्कर का बाने मत मारो, बोल दो सीधा सीधा आता नहीं खेलने। ये सब ना शतरंज वाली रील बनाना बहुत इजी होता है, खेलना मुश्किल है। दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आपका पेज देख के लगता नहीं है कि आता होगा। स्टिक स्टिक टू लिप सिंकिंग अंकल, ओके वी सपोर्ट यू, ओके एंड आप लोग भी कोई भी जाके अंकल जी को हेट मत देना, ओके कमेंट्स वगैरह में। ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। एंड अब बजा तो मेरे को कमेंट्स में बता देना कैसा लगा, ओके कैसा लगा। एंड चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। आप लोग ये बात बहुत अच्छी बोली कि एंड क्योंकि देखो रोस्टिंग एक कैटेगरी है एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ। सिर्फ वो तो वो जो कंटेंट है उसको रोस्ट कर रहे हैं अपने तरीके से फन वे में थगेश भाई। और ये चीज है कि अब हेट मत फैला करो कभी किसी के लिए। हाँ। जाके क्योंकि वो अपने तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ये रोस्ट करके, नहीं तो लोग तो ऑफेंड इससे भी होते हैं रोस्ट क्यों कर रहे हो, और लोग इससे ऑफेंड होते हैं कि आप वीडियो बना रहे हो, तो वो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल ऑन ए सीरियस नोट कह रहा हूँ कि रोस्टिंग एक एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, जब तक एक लिमिट में होती है हर चीज होती है वही चीज है, और वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एक फन वे में लोगों को। हाँ। उस तरीके से मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए, बस उसमें कि लिमिट्स क्रॉस ना हो हर एक चीज, वो चीज है। हाँ। और बाकी जो थगेश भाई ने जो जिस तरीके से सेवे सेवे आज रिप्लाई देना कि इस गाने इस पे ये नहीं ये गाना हो, जैसे कुंडू में खड़काओ वाला हो गया, या फिर वो गाना कि वो जैसे वो लाइन लिखी हुई थी कि लोग आज मेरे को आजकल मेरे को रोस्ट करके अपना ब्रेड ब्रेड, तो मैंने कहा हाँ आपकी वजह से मिला मेरे को ये भी था। एक वो अच्छा था ना जो वो गेट खोल रहा था, अंकल अंकल मैं यहाँ। हाँ वो थगेश का गेट भी खोल देता ना, वो अच्छी एक्टिंग कर रही थी, वो बढ़िया था। और काफी क्लिप्स थी, मतलब जैसे एक उस पे भी गान लगाया था ना, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ, ये मैंने तुझे बोला था कि है नहीं शायद कलर कराया हुआ है, कलर कराया। हाँ। कलर कराया हुआ है। बाकी भाई हेट किसी के लिए नहीं, और मजा आया वीडियो देख के। जो थगेश भाई जिस तरह रोस्ट करते ना, आज तो तलवार लेके भाई साहब चल रही थी, तलवार इधर उधर चल रही थी, माहौल सही क्रिएट कर रखा था सही। और कमेंट्री अच्छी थी आज, अच्छी थी, थगेश भाई को रोज 25 बार मैसेज करूंगा है ना, और स्टोरी में भी रोज टैग करूंगा चश्मे चाहिए चश्मे चाहिए। उसमें वीडियो आई है ना आज उसकी फुकरा की, उसमें पता चल जाएगा कौन विनर है अगर थगेश भाई हुआ इनकेस दिल्ली तो आएगा। जो मिलेगा भाई से सबसे ले लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। और बाकी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय।